दोस्तों ओमेगा नेटवर्क का प्राइस देख सकते हो, इतने तक गारंटी हो सकता है, इससे ज़्यादा थोड़ा स्लाइड ऊपर जा सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपको प्राइस प्रिडिक्शन बताने वाला हूँ ओमेगा नेटवर्क टोकन की, वो भी रियल में कितनी होगी करके, आप जो एनालिस्ट करते हैं बड़े बड़े वैसे एनालिस्ट करके आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कल इसकी लिस्टिंग होने वाली है कहाँ पे गाइस, मैक्सी ग्लोबल पे, ठीक है, और सेकेंड है बाईबिट पे, तीसरा है गेट डॉट आईओ पे, चौथा है दोस्तों ओके एक्स पे, तो इतने बड़े बड़े एक्सचेंज में लिस्टिंग होने जा रही है। तो दोस्तों सबसे तो पहले है कि सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन्होंने हमारी वीडियो 5 महीने पहले देख के माइनिंग स्टार्ट की थी ओमेगा नेटवर्क की, क्योंकि हमने अभी तक सक्सेसफुली 2 माइनिंग वीडियो दी हुई है। फर्स्ट वाली आपको एक सतोशी कोर की दी थी जो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, और सेकंड जो अभी ओमेगा नेटवर्क का था वो भी लिस्टिंग सक्सेसफुली हो चुका है। अभी नेक्स्ट बारी आने वाली है गाइस बॉन्डेक्स की, बॉन्डेक्स की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, उसमें न्यू ऐप अपडेट हो चुका है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अभी आज की वीडियो में स्पेशल ये है कि प्राइस प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि कितनी प्राइस होने वाली है, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा था प्राइस उतनी होने वाली, मैं कंप्लीट डाटा के साथ आपको बताने वाला हूँ। और जिन जिन की अभी तक KYC नहीं आई है, वो क्यों नहीं आई है, उसके बारे में मैंने रीज़न आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जाके चेकआउट कर लो। और जो वॉलेट में इधर टोकन आपके के अभी कम दिखाई दे रहे हैं ट्रांसफरेबल बैलेंस में इधर 0, तो उसका रीज़न क्या है वो भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो कंप्लीट आपको पता चल चुका रहेगा वो फर्स्ट वाली इससे वाली वीडियो अभी जो डाली है वो देख के। तो अभी इस वीडियो में स्पेशल है कि हम प्राइस प्रिडिक्शन करने वाले, कितनी प्राइस होने वाली है, क्या होने वाली है। और यहाँ पे देख लो अभी जो भी है, ठीक है, ये लिस्टिंग कब होने वाली है, जून 16 तारीख को, मतलब कल लिस्टिंग होगी 10 AM UTC, मतलब 3:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, बाकी सब अपने अपने कंट्री के टाइम गिन लो, ठीक है, ये इंडियन टाइम में 3:30 बजे लिस्टिंग होगी, दोपहर के टाइम पे सब जगह लिस्टिंग होने वाली है इंडिया में। तो अभी मेन इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने इधर लिखा हुआ है कि 5 सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, बट इधर हमको दिखाई दे रहा है सिर्फ 4 सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, तो एक ऐसा कौन सा एक्सचेंज है जिसका इन्होंने जिक्र अभी तक नहीं किया है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। इधर क्लियरली लिखा हो कि 5CEXX करके लिखा हो, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज है 5, तो इधर हमको 4 सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज दिखाई दे रहे हैं, तो एक और मेरे ख्याल से मुझसे पूछे तो KuCoin हो सकती है, तो बड़ी बड़ी एक्सचेंज होगी, तो प्राइस मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ वो उतनी हो सकती है कि नहीं, अभी डिटेल में आपको लेके जाके बता रहा हूँ। तो दोस्तों प्राइस प्रिडिक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी टोकोनॉमिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, इनकी टोटल सप्लाई कितनी है 970 मिलियन, मतलब 97 करोड़ टोकन, ठीक है, और इसमें आप इस चार्ट में देखो कि कितने परसेंट कितने को मिला है, हम माइनिंग कर रहे हैं हमको 30% मिल रहे हैं, सीड राउंड 4% है, पब्लिक सेल 1% है, IDO इतना है, ट्रेजरी 10% है, रिजर्व इतना है, स्टेकिंग रिवॉर्ड 5% है, और एक्सचेंज को 9% दिया हुआ है, और इसमें भी अनलॉक कितने होने वाले हैं 25-25%, सिर्फ 1% के 50% है, बाकी 5%, 10%, 25%, ठीक है। तो अभी हमने पूरा डाटा लिख दिया है कैलकुलेट करके, तो आपको वो दिखा रहा हूँ कि ये कितना टोटल परसेंटेज है और कितना आपका अनलॉक होने वाला है, कंप्लीट बता के आपको कंप्लीट गाइड बताने वाला हूँ। दोस्तों कैलकुलेशन करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि प्राइस हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, तो उसके लिए आप भी कर सकते हो आगे जाके, कौन से भी मेन जो बड़े बड़े रहते हैं ना कॉइन, उसके बारे में प्राइस प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों मेनली हम कोर की ही बात करेंगे पहले, क्योंकि कोर कॉइन जो है अभी भी एक माइनिंग चल रही है, जाके कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट कोर कॉइन है जो फर्स्ट माइनिंग ऐप है जिन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया था, लिस्टिंग भी की थी, ठीक है, तो हम इसकी इसलिए ले रहे हैं कि इसमें प्राइस प्रिडिक्शन कैसे करते हैं वो। तो अभी देख लो कोर की प्राइस चल रही है $0.76, और इनका है कि आप ये देख लो कि मार्केट कैप कितना है, कि इधर आप देख सकते हो, ठीक है, 9.68 करोड़ का डॉलर का मार्केट कैप चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम व्यू मोर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई एक दिखाई दे रही है और एक और टोटल सप्लाई। तो अभी हम जब प्राइस कैलकुलेशन करते हैं तो इम्पोर्टेंट है सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है वो और मार्केट कैप है, तो वो हम डिवाइड करेंगे ना, तब जाके हमको प्राइस जो है रियल वो पता चलेगी, ठीक है। तो आपने कोर की देख ली 9.68 करोड़ की है जो मार्केट कैप है, ठीक है, डॉलर की,
तो अभी हम चलते हैं ओमेगा नेटवर्क के ऊपर। तो गाइस मैंने इधर पूरा प्राइस प्रिडिक्शन करके रखा है, तो आपको कंप्लीट में दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। तो कोर का आपको मार्केट कैप दिखाया है, सर्कुलेटिंग सप्लाई दिया है, फाइनल प्राइस कैलकुलेशन कैसे होती है, मार्केट कैप ठीक है डिवाइडेड बाय कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई हो रही है, मतलब मार्केट में कितनी बाई और सेल हो रही है, वो हम डिवाइड करते ही जो फाइनल प्राइस आती है वो है प्राइस, ठीक है। तो $0.7 फाइनल प्राइस है जो रियल है, आप कॉइन मार्केट कैप में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ओमेगा नेटवर्क का प्राइस प्रिडिक्शन ऐसा नहीं है, थोड़ा मतलब उसमें डिफिकल्ट है, क्यों है वो बता रहा हूँ। ओमेगा नेटवर्क की टोटल सप्लाई मैंने बोला था 970 मिलियन है, मतलब 97 करोड़ की, उसमें भी क्या दिया है, माइनर के पास 30.5% है, सीड IFO जो चला था उसमें 4% है, पब्लिक पे 1% है, ट्रेजरी पे 10% है, स्टेकिंग रिवॉर्ड पे 5% है, एक्सचेंज पे 9% है। तो ये टोटल हम मिलाते हैं ना, तो टोटल टोकन इतने बन जाते हैं, कितने, 57,71,50,000 के OMN टोकन वो बन जाते हैं टोटल, ठीक है। तो ये कितना परसेंटेज हुआ आप खुद कैलकुलेशन कर लो। तो अभी एक अनलॉक परसेंटेज कितना दिया कि माइनर को 25% है, CDIFO को 25, पब्लिक सेल को 50, ट्रेजरी को सिर्फ 5%, स्टेकिंग को 10% और 25% एक्सचेंज को दिया हो। तो अभी हम क्या करेंगे, रफली ये अनलॉक जो है वो हम 25% गिनेंगे, क्योंकि दोस्तों जो पब्लिक सेल है वो सिर्फ 50% है, वो भी 1% का ही है, तो 1 करोड़ टोकन ही है वो, ठीक है। तो हम टोटल ओवरऑल 25% लेने जा रहे हैं, ठीक है, समझ गए। अभी देखो अनलॉक कितनी सप्लाई मैंने बोली 970 मिलियन है, ठीक है, वो टोटल सप्लाई है, बट अनलॉकिंग कितनी दे रहे हैं, 57,71,00,000 की सप्लाई, ठीक है। उसमें से ये टोटल अनलॉक सिर्फ सप्लाई है, उसमें से सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी आएगी, मार्केट में कितनी आएगी, वो है इनकी सिर्फ 25% सप्लाई, मतलब 14,42,00,000 के जो OMN टोकन है उतने ही सिर्फ मार्केट में आने वाले, मतलब कोर के आसपास ही है, कोर से 1-2 करोड़ ही ज़्यादा है बस। तो अभी देखो मार्केट कैप हम एग्जांपल लेते हैं 4 करोड़ का, क्यों हम 4 करोड़ का ले रहे हैं, क्योंकि कोर का आप देख सकते हो हमने 10 करोड़ का आसपास है इधर मार्केट कैप, तो हम इसकी मतलब इतनी फेम नहीं है, इतना मतलब इसकी कम्युनिटी बड़ी नहीं है, उस हिसाब से इसकी मार्केट कैप सिर्फ आधी ले रहे हैं, ठीक है, आधी से भी कम ले रहे हैं। तो अभी आप भैया मत बोलना कि मार्केट कैप कैसे ले ली, दोस्तों मार्केट कैप एक अंदाजन रहती है कि प्रोजेक्ट का 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है, फर्स्ट रहता है कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, सेकंड है कि उसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, थर्ड रहे कि मेन एस्पेक्ट्स, मतलब इन्होंने अपना पब्लिक सेल प्राइवेट सेल राउंड रखा था तभी इनके टोकन कंप्लीट नहीं बिके थे, तो इसलिए है कि इसकी मार्केट कैप हमने कम रखी है, ठीक है। तो अभी समझ लो 4 करोड़ की मार्केट कैप रखी। तो अभी देखो फाइनल कैलकुलेशन हम प्राइस करेंगे तो क्या होता है, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो अभी मार्केट कैप क्या है, इसमें ये वाला गाइस है मार्केट कैप, ठीक है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, ये वाली जो मार्केट में आएगी सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है, ये अनलॉक वाली सप्लाई है जो अभी नहीं आने वाली है, ये वाली कब आने वाली है, धीरे धीरे आने वाली है मार्केट में, बट ये वाली जो है वो अभी आने वाली है, जो 16 तारीख को आने वाली है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इधर देख लो मार्केट कैप डिवाइड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो मार्केट कैप 4 करोड़ डॉलर का है और सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी है, तो फाइनल प्राइस निकल के जो आ रही है आप खुद ही देख लो, आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, कौन से भी प्रोजेक्ट के, $0.27 का एक OMN टोकन की वैल्यू का मार्केट, मैंने पूरा कैलकुलेशन किया तब जाके ये वैल्यू आ रहा है, और मेरे ख्याल से 0.30 से लेके 0.50 के अंडर ही प्राइस होगी, $1 नहीं जाने वाली, क्योंकि मार्केट का हाइप इतनी नहीं है गाइस, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना था, इसलिए मैंने आपको वादा भी किया था अपने टेलीग्राम में बताऊंगा, तो इस बात पे एक लाइक ज़रूर कर देना। जो लास्ट में आपको फिर से दिखा रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में आपको दिया था, ये गाइस ओरिजिनल नहीं है, ये मैंने खुद एडिट किया है, सीरियसली बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इधर है कि जो प्राइस प्रिडिक्शन मैंने की थी तो वो ही हो सकती है इसलिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, $1 के इसमें मत रहो, $1 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट प्राइस इतनी हो रही है क्योंकि हमने डाटा के ऊपर कैलकुलेशन करना, हम इमेजिनेशन सिर्फ नहीं कर सकते कंप्लीटली, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दोस्तों, टेक केयर एंड बाय, जल्द से जल्द इसकी जो भी अपडेट्स रहेगी सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा आज की वीडियो में, तो श्योर शॉट हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब को है कि नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लो, तो फटाफट अपडेट मिलती रहेगी।